हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्कोर क्लासेस। और दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यू स्कोर क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए स्पेशल होगी। आज की वीडियो में हम करेंगे 10 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम्स में काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो दोस्तों, अभी काफी एग्जाम होने वाले हैं, तो उनमें ये क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है, ताकि हर क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिर आज की इस वीडियो को। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, हाल ही में किसने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल सुविधा का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है दोस्तों यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किसने हाल ही में पायलट आधार पर ऑफलाइन पेमेंट को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, जो ऑफलाइन पेमेंट की मंजूरी दी गई है वो दी गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य की किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दोस्तों जल निश्चय योजना को, तो राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किस से निपटने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? तो ये की है दोस्तों किस से निपटने, प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की मशहूर लेखिका और फिल्म निर्माता सादिया देहलवी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हुआ दोस्तों यहाँ पे जो है 63 वर्ष में। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू की है? तो ये की गई है दोस्तों यहाँ पे जो है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को फिल्म सेट पर काम करने से रोक लगाने के बाद किसने हाल ही में काम करने की अनुमति दे दी है? तो ये दी है बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन, किस प्रोफेसर को संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें जो है प्रदीप कुमार जोशी को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस क्रिकेट संघ ने अपने नए स्टेडियम का नाम महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो ये फैसला जो लिया गया दोस्तों ये लिया गया है यहाँ पे पंजाब क्रिकेट संघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है? तो ये किया गया दोस्तों यहाँ पे जो है आपको बता दें 1,00,000 करोड़ रुपए के लिए। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी? तो इनकी संख्या यहाँ पे दोस्तों जो है 101 रक्षा उपकरण। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के मुताबिक फीचर फोन के मार्केट शेयर में कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो इस कंपनी का नाम यहाँ पे है दोस्तों जो है सैमसंग कंपनी। अगला क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में किस योजना के तहत 2000 रुपए की छठी किस्त जारी की है? तो इसी योजना का नाम यहाँ पे दोस्तों जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। भारत के किस IIT संस्थान ने हाल ही में शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये किया दोस्तों IIT खड़गपुर के साथ। कोलंबो के ऐतिहासिक राजा महाविचार्य बौद्ध मंदिर में महिंदा राजपक्षे को कौन सी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने की शपथ दिलाई गई है? तो ये दिलाई गई है चौथी बार। 10 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें जो 10 अगस्त को विश्व भर में दिवस मनाया जाता है वो यहाँ पर मनाया जाता है जो है विश्व जैव ईंधन दिवस। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 ICU वेंटिलेटर गिफ्ट दिए हैं? तो ये दिए हैं दोस्तों यहाँ पे जो है नेपाली सेना को। अगला क्वेश्चन, BCCI ने किस क्रिकेट टीम का भारत दौरा वर्ष 2021 तक की शुरुआत तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये क्या है दोस्तों, कौन सी टीम ये है यहाँ पे, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की तट पर फंसे जापान के जहाज से कई टन ईंधन के रिसाव शुरू होने पर हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है? तो एक ये दोस्तों यहाँ पे मॉरीशस के। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश को उधार में तेल देने पर रोक लगा दी है?
तो फ्रेंड्स बता दें आपको, जो है जो सऊदी अरब ने रोक लगाई वो लगाई है यहाँ पे जो है पाकिस्तान देश पर। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक पोंता तरण बंदरगाह के निर्माण करने की योजना की घोषणा की है? तो ये किया 210,000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा जो की गई है दोस्तों, ये की गई है यहाँ पे दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, किसने रिलायंस सिक्योरिटीज के डीलर सहित 27 लोगों और कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है यहाँ पे दोस्तों जो है सेबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सरकारी क्षेत्र के किस अग्रणी बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो ये घाटा हुआ है दोस्तों यहाँ पे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबे समय के बाद किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है दोस्तों यहाँ पे जो है रूस देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए किसने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है? तो ये मंजूरी दी गई है दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें जो है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बांग्लादेश सरकार ने किस वर्ष के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये युद्ध हुआ था दोस्तों यहाँ पे 1971 के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, इस हवाई अड्डे का जो नाम है वो यहाँ पे है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 12 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो 12 अगस्त को विश्व भर में दिवस मनाया जाता है वो यहाँ पे मनाया जाता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में हुए विस्फोट के बाद किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया दोस्तों लेबनान देश के। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करें, किस राज्य सरकार ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नाम्बी नारायण को 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया है? तो ये दिया दोस्तों किसने, ये दिया है केरल सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निजी क्षेत्र के किस बैंक ने हाल ही में इक्विटी शेयर के QIP की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें जो है ICICI बैंक ने। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10 पायदान के छलांग की बढ़ोतरी के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गई है? तो ये पहुंच गई दोस्तों 96 स्थान पर। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाल ही में किसने भारत में मानसून से सर्वाधिक प्रभावित समुदाय को सहायता देने की घोषणा की है? तो ये किया है दोस्तों यहाँ पे जो है संयुक्त राष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, इनमें से किसने अपने आदेश में संशोधित हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में पिता पैतृक संपत्ति पर बेटी को समान अधिकार दिया है? तो ये दिया दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में स्थापित एक डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ का शुभारंभ किया है? तो ये किया दोस्तों हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा आता है, 13 अगस्त को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बता दें, जो 13 अगस्त को विश्व भर में दिवस मनाया जाता है वो यहाँ पे मनाया जाता है हमारा है विश्व अंगदान दिवस। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो इनकी एज थी वो यहाँ पे थी 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग ने किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है दोस्तों यहाँ पे जो आपको बता दें, ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कोई महिला क्रिकेटर डोपिंग में फेल हुई है, वह किस राज्य की ऑलराउंडर अंशुला राव खिलाड़ी है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जो ये खिलाड़ी है ये है यहाँ पे है मध्य प्रदेश की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में सबसे अधिक सेवा देने वाले देश के कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, ये जो बन गए हैं ये बन गए चौथे प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है? तो ये किया दोस्तों असम सरकार ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किस शहर की जेनरिक फार्मा कंपनी MSN ग्रुप ने कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो लॉन्च की है? तो यहाँ पे किए दोस्तों हैदराबाद ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा आता है, केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2019 से लेकर 2020 के लिए किसने 57,128 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो ये किए दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों यहाँ पे जो है कमला हैरिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चेयुता स्कीम शुरू की है? तो ये किया दोस्तों आंध्र प्रदेश के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों यहाँ पे, हाल ही में किसने पहले से ही बैटरी लगे बिना ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की मंजूरी दे दी है? तो ये दिए दोस्तों केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों यहाँ पे, किस राज्य सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत की गई है दोस्तों ये की गई है यहाँ पे जो है गुजरात सरकार के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए हाल ही में मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया दोस्तों यहाँ पे जो आपको बता दे इजराइल देश ने। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, राधा भाटिया की किस किताब को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे इनकी बुक का जो नाम है दोस्तों जिसको सम्मानित किया गया है वो उसका नाम है यहाँ पे लस्सी। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्विट्जरलैंड ने 1,000 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर लगे प्रतिबंध को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये प्रतिबंध जो बढ़ाया गया दोस्तों ये बढ़ाया गया यहाँ पे 1 अक्टूबर तक। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ऑनलाइन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ यहाँ पे किया गया है दोस्तों निर्मला सीतारमण के द्वारा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार ने शहर में रेहड़ी पटरी वालों को कितने हजार तक का कर्ज उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो यहाँ पे इनको कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा दोस्तों जो है 20,000 तक। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाल ही में किसने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो ये किया दोस्तों यहाँ पे जो है केंद्र सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इंडियन प्रीमियर लीग की मेजबानी के लिए BCCI ने किस क्रिकेट बोर्ड को औपचारिक मंजूरी मिल गई है? तो ये मंजूरी जो मिली है दोस्तों ये मिली है यहाँ पे एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को। देखिए फ्रेंड्स, फ्लिपकार्ट ने भारत के पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शराब पहुंचाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की गई है दोस्तों यहाँ पे स्टार्टअप DRDO के साथ। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करें, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? तो ये फहराया गया है दोस्तों 7वीं बार। अगला क्वेश्चन हमारा आता है फ्रेंड्स, किस हेल्थ केयर कंपनी के निदेशक मंडल ने नाम बदलकर पार्कवे रखने का फैसला किया है? तो यहाँ पे इस हॉस्पिटल का नाम है दोस्तों फोर्टिस हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को दोषी करार दिया है? तो यहाँ पे ये दोषी करार दिया गया है दोस्तों जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई बातों का जिक्र करते हुए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इस मिशन का नाम यहाँ पे है दोस्तों नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन।